8 नवंबर को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड का कार्यकाल जो है वो खत्म हो जाएगा, 10 नवंबर को अगले सीजीआई शपथ लेंगे। लेकिन इस बीच सीजीआई डीवाई चंद्रचूड को 5 ऐसे ऐतिहासिक फैसले लेने हैं जिनसे देश की दिशा और दशा बदलने वाली। उनमें से एक फैसला आज आया उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर, जो 2004 का मदरसा एक्ट बना था उसे सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक माना, हालांकि हाई कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बाद मार्च में हाई कोर्ट का फैसला आया था, जिसके बाद मदरसा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और 22 अक्टूबर के दिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन आज 5 नवंबर के दिन यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया। तो इस फैसले के कानूनी पहलू क्या है वो हम समझेंगे हाई कोर्ट के वकील योगेश अग्रवाल जी से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका जी। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, इससे पहले कहा जा रहा था कि लगभग 16,000 मदरसों के 17,00,000 बच्चों के भविष्य का सवाल था, जिस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा था कि आप इन बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करवा दीजिए। लेकिन अब इस फैसले से क्या बदलेगा, फैसला क्या है, मदरसा एक्ट क्या था, सब कुछ बताइएगा डिटेल में। देखिए, मदरसा एक्ट की अगर हम बात करते हैं जो 2004 के अंदर बना है, जहां पर मदरसों को रेगुलराइज करा गया एजुकेशन देने के लिए, इंपार्टिंग द एजुकेशन विद द रिलीजियस बिलीव। अब यूपी के अंदर अगर हम बात करते हैं, लगभग आधिकारिक आंकड़े जो बोल रहे हैं उसके अलावा जो बोलते हैं 25,000 के करीब मदरसे हैं यूपी के अंदर, जिसमें से 15,000 के करीब जो मदरसे हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं, और बाकी जो 8-9,000 मदरसे हैं वो अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं, मतलब जिनको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती। अब इन 15,000 मदरसों में से लगभग 550 मदरसे ऐसे हैं जो फुली गवर्नमेंट एडेड है, मतलब उसके अंदर जितना भी फंड होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से जाता है, पूरा गवर्नमेंट उसको चला रही है यूपी गवर्नमेंट। और उसके अलावा बाकी जो जितने मदरसे हैं वो एडेड हैं, मतलब गवर्नमेंट भी उसके अंदर एड देती है और कुछ प्राइवेट लोग उनको चला रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर जो बात आ रही थी, लगभग 17,00,000 बच्चे नहीं है, लगभग 25,00,000 बच्चे हैं जो इसके अंदर पढ़ रहे थे, और लगभग 10,000 टीचर्स हैं जो इसके अंदर टीचिंग दे रहे हैं। अब ये पूरा मामला यूपी गवर्नमेंट में योगी सरकार के आने के बाद शुरू होता है, जहां पर एक एसआईटी बिठाई जाती है, उस एसआईटी के अंदर जब रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि ये जो मदरसे हैं ये 2000 से लेकर के 2015 के बीच लगभग 15,000 मदरसे जो हैं यूपी के अंदर खुले, और उसमें 70% मदरसे जो हैं वो नेपाल बॉर्डर के आसपास खुले गए हैं, ठीक है, और जिनकी फंडिंग का सोर्स नहीं पता है किस तरीके से वो फंडिंग चल रही है, खाड़ी देशों से आती है फंडिंग और कहीं से आएगी वकील साहब इनकी फंडिंग। क्योंकि अब बात यह है कि मदरसों का जो कार्यकलाप है, जो हमारे संविधान में लिखा गया है, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए, साथ में उनकी जो इस्लामिक एजुकेशन है उसको भी आगे बढ़ावा देना, और साथ में बच्चों को अदर चीजों को भी पढ़ाना है, हिंदी इंग्लिश जो भी जिस भी सब्जेक्ट में वो जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर इनके मदरसों के अंदर जैसे 10th क्लास होती है, 12th होती है, तो यहाँ पर मौलवी मुंशी इस तरीके से इनको नाम दिए गए हैं, साथ में हायर एजुकेशन के अंदर आलिफ कारिफ इस तरीके से इनको एक एजुकेशन के नाम दिए गए हैं। अब इन मदरसों के अंदर जब एसआईटी बैठी गई तो वहां पर पता लगा कई कई मदरसों के अंदर तो 50 बच्चे पढ़ रहे हैं टोटल, और पूरे स्कूल का एड ले रहे हैं वो। तो जब यहाँ पर इस तरह की इररेगुलरिटी देखी गई तो यूपी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लगाम कसने की तैयारी करी, और बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन मदरसों को असंवैधानिक बता करके इनको बंद करने के लिए बोला, और साथ में सारे के सारे बच्चों को रेगुलर स्कूल के अंदर ट्रांसफर करने के लिए बोला गया, ताकि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अब इन मदरसों में किस तरह की पढ़ाई कराई जा रही है, वहां पर बच्चों में रियलिटी में क्या पढ़ाया जा रहा है, उन बच्चों को भविष्य में उनका क्या उज्जवल होगा भविष्य, या उनको किस तरफ ले जाया जा रहा है, ये तो बड़ा ही सब्जेक्टिव मैटर है। लेकिन अब इस जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है इसको तो देखो हाथ जोड़ करके स्वागत करना पड़ेगा इसका, लेकिन आने वाले समय में यूपी गवर्नमेंट इसके ऊपर रिव्यू करेगी, या तो वो इसके लिए कानून लेके आएगी, या हो सकता है रिव्यू पिटीशन के अंदर जाए। अब देखना यूपी गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या टेक रहता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर यूपी सरकार को ये फैसला पसंद नहीं आता है तो इस पर रिव्यू पिटीशन डाल सकती है, वो भी फैसला कहीं ऐसे आता है तो यूपी सरकार इसके ऊपर कानून बनाकर इस फैसले को बदल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। देखिए, इतना आसान नहीं है कानून बनाना, इतना आसान नहीं है क्योंकि कानून पुराना बना हुआ है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो खाली इस कानून को संवैधानिक और असंवैधानिक के बारे में बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी बोल दिया है कि जो हायर एजुकेशन के लिए फाजिल और आमिल जो इनके जो पर्टिकुलर डिग्रियां हैं जो चल रही थी कामिल और फाजिल, उसको उन्होंने बोल दिया ये रिकॉग्नाइज नहीं रहेंगी, इसके लिए यूजीसी की रिकॉग्निशन इनको लेनी पड़ेगी। लेकिन जो पुराने और जो कोर्स चल रहे हैं इनके मुंशी मौलवी जो कोर्सेज चला रहे हैं स्कूलों के अंदर, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये पूरे तरीके से ठीक है और इसके अंदर कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशन वाली बात नहीं लग रही है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरा जो अपना ये फैसला दिया है,
ये कानून को लेकर के दिया है जो बनाया गया पहले 2004 के अंदर बनाया गया है। अब क्योंकि यूपी के अंदर योगी की सरकार है, योगी बाबा की सरकार है, और वो मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी, क्योंकि इस तरह के मदरसों के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे मदरसे गलत काम कर रहे हैं, लेकिन जो 25,000 मदरसे हैं जिसमें से बहुत सारे जो एडेड है, अनएडेड है, या फिर इलीगल तरीके से जो काम कर रहे हैं, इनके ऊपर लगाम तो कसनी है। और कहीं पर भी योगी सरकार ने पूरे मुद्दे में कहीं ये नहीं बोला है कि बच्चों का भविष्य नहीं देखना है, वहां पर भी ये बोला गया था कि इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए ताकि अच्छे स्कूलों में जाकर के और बच्चों की तरह पढ़े जिनका इनका भविष्य उज्ज्वल हो। तो बेसिकली बार बार यही बात आ रही है कि हम इस वर्ग को क्यों पीछे रखें, क्यों मुस्लिम वर्ग पीछे रहे, क्यों नहीं और कम्युनिटी के साथ पैर से पैर मिलाकर के, हाथ से हाथ मिलाकर के आगे चले। लेकिन मदरसों के अगर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी मान लेता जो असंवैधानिक करार दे दिया गया था, अगर ऐसा होता तब क्या बदलाव आता? बदलाव ये आता, ये एक्ट रद्द हो जाता और जितने भी बच्चे ये पढ़ रहे थे यहाँ पर, जितने भी रिकॉग्नाइज मदरसे थे, इनको एक तरीके से बंद कर दिया जाता और सारे बच्चों को जो दूसरे स्कूल से उनमें ट्रांसफर कराया जाता, वहां एडमिशन दिया जाता और वहां जाकर के बच्चे पढ़ना शुरू करते। अब वैसा होगा जैसा चलता आ रहा था 2004 से, वैसा ही चलता रहेगा, वैसा ही चलेगा। देखिए इन मदरसों के अंदर मैं ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब हम स्कूलों में जाते हैं, जब हम भी स्कूल में पढ़ते थे तो पहले वहां पर प्रेयर होती थी, हम स्कूल में पढ़ने से पहले प्रेयर शुरू होती थी, तो वहां पर हमारे धर्म के हिसाब से कोई भी अभी भी होती है। तो इन मदरसों में जब जाओगे तो वहां पर इस्लामिक प्रेयर कराई जाती है, पहले उनको इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है, उनको कुरान के बारे में बताया जाता है और साथ में उनको इम्पार्टिंग एजुकेशन अलग सब्जेक्ट्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला एक माइनॉरिटी को लेकर के है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेकर के है कि उनकी एजुकेशन को, उनके धर्म को आगे बढ़ाना है और धर्म को साथ, धर्म के साथ साथ बच्चों को एजुकेट करना है और भविष्य उनका उज्ज्वल करना है। अब ये पूरा मामला क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो उन्होंने बोला ये जो मदरसे बनाए गए हैं, इनको बनाए जाने का जो कारण था वो बच्चों को पढ़ाने का था, साथ साथ उनकी संस्कृति भी सिखानी है उनको, उनको उनके रिलीजन के बारे में बताना है। तो वहां पर बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोला है कि यहाँ पर जितने भी इस सब्जेक्ट चल रहे हैं, जो भी इनके अंदर पढ़ाया जा रहा है, साथ में ध्यान रखा जाए कि बच्चों को खाली रिलीजियस के साथ साथ उनकी जो एजुकेशन है, उनको आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो दिखाया जाए। लेकिन उन्होंने इनके इस पूरे कार्यकलाप को, उनके पूरे सिस्टम को एक तरीके से ओके कर दिया है, संवैधानिक घोषित कर दिया है। अब आने वाले टाइम में इन मदरसों को कोई दिक्कत नहीं है। आपको सुनकर के हैरानी होगी अभिषेक जी, इन मदरसों को जो यूपी गवर्नमेंट फंड दे रही है वो लगभग 1,098 करोड़ का फंड देती है हर साल, हर साल, जिसके अंदर लगभग, जी बिल्कुल, 1,098 करोड़ का फंड है। अब ये फंड्स इन सब मदरसों में जाता है, वो किस तरीके से यूज हो रहा है, क्या उन बच्चों को प्रॉपर तरीके की एजुकेशन मिल रही है? क्या वकील साहब, सहारनपुर में एक मदरसे में गया था जो अटल बिहारी वाजपेयी की योजना के तहत खुला था, जिसमें आपका कुरान, मतलब जो उर्दू पढ़ाई जाती थी उसके साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब कुछ पढ़ाया जाता था। लेकिन उन वहां के जो टीचर्स थे उनका कहना था कि सालों से हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिली सरकार की तरफ से। सर ये तो देखो कहना बड़ा डिफिकल्ट है कि किनको तनख्वाह मिल रही है, वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। अगर कोई मदरसा रिकॉग्नाइज्ड है, अटल बिहारी वाजपेयी की जो मदरसा योजना चली थी, कुछ मैं उसका नाम मिस कर रहा हूँ, उस योजना के अंतर्गत वो मदरसा खोला गया था और मैं खुद वहां बच्चों से बात करके आया, खुद वहां उनकी कंप्यूटर लैब, उनकी साइंस की बुक्स, मतलब जो एक आम स्कूल में पढ़ाए जाते हैं किताबें, वो ही किताबें वहां बच्चे पढ़ रहे थे और वहां हिंदू भी पढ़ रहे थे, मुसलमान भी पढ़ रहे थे। देखो ऐसा कोई रोक नहीं है, ऐसा मदरसों में दूसरे कम्युनिटी के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मदरसा एक तरीके का बोर्ड है, जैसे आपने दिल्ली के अंदर सीबीएसई बोर्ड सुना, इसी तरीके से एक तरह का बोर्ड है जो एजुकेशन दे रहा है, आपने उनके स्टैंडर्ड बनाए हुए, जैसे 10th 12th का स्टैंडर्ड है, इसी तरीके से इनके पास मुंशी, मौलवी, आलिम, इस तरीके के स्टैंडर्ड बने हुए हैं। मुंशी, मौलवी 10th क्लास तक के लिए, आलिम इसके अंदर 12th क्लास के लिए, तो इस तरीके से पूरे स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। और बाद में यहाँ से पढ़ने के बाद बच्चों को अदर आगे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी मिलता है इनके बेस पे। लेकिन बात यह है, पूरा जो मामला है वो ये है कि इन 25,000 मदरसों के अंदर क्या प्रॉपर तरीके की एजुकेशन दी जा रही है, क्या यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो एजुकेशन मिलनी चाहिए अपनी संस्कृति के साथ साथ इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ, क्या एकेडमिक एजुकेशन प्रॉपर मिल रही है, क्या वो आने वाले टाइम में जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो दूसरी जगह से अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, क्या वो उनके साथ कम्पीट कर पाएंगे? ये मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा ये नहीं है कि क्या मदरसों को एड दी जाए या नहीं दी जाए, एड देने से समस्या नहीं है। बात यह है कि क्या
आने वाले टाइम में इन बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा या नहीं होगा। और योगी सरकार का पूरा काम पूरा मामला इसी के ऊपर डिपेंडेंट था। उन्होंने कभी मदरसों के खिलाफ नहीं बोला है, उन्होंने ये बोला है कि इसको रेगुलराइज करा जाए और आने वाले समय में सभी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके, वो भी जिस तरीके से आम स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वहीं पढ़े। लेकिन इसे एक धार्मिक रंग दे दिया गया, एक धार्मिक एंगल दे दिया गया। मौलाना मदनी का भी बयान आया देवबंद दारुल उलूम से कि उन्होंने न्यायोचित यह फैसला बताया और कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से वकील साहब आपने बताया कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहे तो इस फैसले में, इस कानून में, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया और जो पहला कानून बना हुआ है 2004 का, उसमें वो संशोधन कर सकते हैं या फिर एक अलग कानून भी बना सकते हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा जा सके। अगर लब्बोलुबाब लगाए वकील साहब तो इस बात का यही है। अभी तो पहले तो देखो ये जजमेंट आएगी, इसको इनका लीगल सेल लेके बैठेगा बीजेपी का और पहले देखेगा इस जजमेंट के अंदर क्या चीज बोली गई है। अभी तो सरसरी तौर पे पता लगा है कि इस कानून को संवैधानिक बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अभी जजमेंट हाथ में नहीं आई है, क्योंकि जजमेंट हाथ में आने के बाद पता लगेगा किसकी चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट करा है। हो सकता है यूपी सरकार के फेवर में कहीं ना कहीं इसके अंदर कमेंट करे गए हो और कोई कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाने के लिए भी बोला गया हो इसके अंदर, क्योंकि मेन मुद्दा इन मदरसों के अंदर एजुकेशन को रेगुलर करने का है। इन मदरसों के अंदर जो जिस तरह की एजुकेशन चल रही है उसको ठीक करने का है। मुद्दा मदरसों को बंद करने का नहीं है, मुद्दा कहीं पर भी बच्चों का भविष्य के साथ खेलने का नहीं है। मुद्दा एक ही है कि जो 25 लाख बच्चे आज की डेट में मदरसों में पढ़ रहे हैं उनके भविष्य को कैसे ठीक करा जाए। तो योगी सरकार का पूरा ध्येय इसके अंदर यही है, तो जरूर वो इसको रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन लगाए या कानून बनाए या इसके अंदर जो भी चीज इसके अंदर डायरेक्शन दी गई है उसके हिसाब से कोई अपना कमेटी वगैरह बना करके इन मदरसों के ऊपर कंट्रोल करे। मतलब अभी सिर्फ वन लाइनर फैसला हमारे सामने आया है, बताया गया कि फैसला हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया गया, बता दिया गया कि जो है ये संवैधानिक है। बाकी इसके टेक्निकल पॉइंट्स क्या है, जब वो पूरा फैसला उसकी कॉपी सरकार के हाथ में आएगी, वो उसको पढ़ेगी, उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आएगा वो भी रोचक बात होगी, उसमें भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। वकील साहब इस खबर पर, मतलब मुख्य खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और अगर कुछ और सवालात भी आपके जहन में हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। धन्यवाद।